हेलो ट्रेडर्स, शुरुआत करते हैं मंथली चार्ट से जो मैंने आई थिंक 12 मार्च को पोस्ट किया था ट्रेडिंग व्यू पे और ट्विटर अकाउंट पे। और इस चार्ट में हम मान रहे थे कि यहाँ पे जो है 23% और 38% रिट्रेसमेंट की रेंज जो हमने दी हुई थी कि 10,316 से लेके 9,210 के बीच में यहाँ पे वेव फोर जो है वो पूरा हो सकता है। तो ये हमने ये सपोर्ट रेंज दी हुई थी ऑलरेडी, और ये मंथली चार्ट में, मंथली चार्ट में हम अभी नहीं जा रहे। तो यहाँ पे जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस रेंज में जो है वेव फोर पूरा हो सकता है। और एक और चार्ट मैंने पोस्ट किया था जो डिक्लाइन है 1,248 से, उस डिक्लाइन को मैंने यहाँ पे वेव काउंट दिया हुआ था 1,234, और वेव फाइव की जो प्रोजेक्शन रेंज थी वो मैंने दी हुई थी ऑलरेडी। आई थिंक ये 13th को मैंने अपलोड किया था, जो 10 38% आ रहा था 9,730 पर, और 61% आ रहा था 9,226 पर। तो इस रेंज में हमने माना था कि ये सपोर्ट रेंज है और यहाँ पे हमें बाइंग कर सकते हैं, और यहाँ से जो है हमें फिर से निफ्टी ऊपर की तरफ बाउंस दे सकता है। लेकिन जो एक्चुअल हुआ वो यहाँ से कंप्लीटली डिफरेंट, यहाँ पे इसके नीचे ही गैप डाउन हुआ। तो वो आगे वेव काउंट में किस तरह से चेंजेस हो सकते हैं वो हम आज जानने की कोशिश कर रहे थे। पहले स्टार्ट करते हैं फिर से मंथली चार्ट में। तो मंथली चार्ट में हम यहाँ पे अब मान रहे हैं कि यहाँ पे 8555 पे वेव फोर जो है वो पूरा हो चुका है, जिसकी कंप्लीशन रेंज हम मान रहे थे कि यहाँ पे थी, और ये बहुत उसके नीचे यहाँ पे 8555 पे अभी मेरे ख्याल से पूरा हो चुका है। तो मंथली चार्ट को अगर हम देखें तो अभी के लिए यहाँ से वेव फोर पूरा हो चुका है, और वेव फाइव जो है वो फिर से नई हाई की तरफ यानी कि 1,248 के ऊपर जा सकता है। तो ओवरऑल मंथली चार्ट में हम पॉजिटिव है, अभी ये हमारा एक बॉटम बन चुका है और यहाँ से जो है फिर से हमें न्यू हाई देखने को मिल सकता है। अगर फिर से हमें वो डिक्लाइन जो शुरू हुआ था 1,248 से, उस डिक्लाइन से अगर हम वेव काउंट फिर से अगर देखें तो यहाँ पे 1,234 और वेव फाइव की हमने प्रोजेक्शन रेंज यहाँ पे दी थी 38% और 68%, जो कि नॉर्मल वेव फाइव की प्रोजेक्शन रेंज है। लेकिन एक्सटेंडेड वेव फाइव जो है वो 100% तक भी प्रोजेक्ट हो सकता है, और वही हुआ उस दिन। पैनिक की वजह से यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद निफ्टी जो है बहुत बड़ा डिक्लाइन दिया, और ऑलमोस्ट 100% तक वेव फाइव जो है वो प्रोजेक्ट हुआ। और अगर आप इलियट वेव के सभी रूल्स जानते हैं तो आपको शायद पता होगा कि अगर वेव फाइव एक्सटेंडेड है यानी कि 61% से अगर ज़्यादा प्रोजेक्ट होता है तो वो बहुत ही तेज़ी के साथ 100% रिट्रेस होता है, यानी कि हम मान सकते हैं कि हमारा निफ्टी का इमीडिएट टारगेट जो है वो 10545 हो सकता है। यहाँ पे वेव फाइव जो है वो 100% रिट्रेसमेंट दे सकता है, वो यहाँ पे हमें उस दिन ही देखने को मिला। यहाँ पे जो है लो बनाने के बाद शार्प रिकवरी भी आई, और यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं कि ये जो नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज थी उसके नीचे जो है वो निफ्टी ज़्यादा देर नहीं रहा, वहाँ नीचे आने के बाद उसके बाद रिकवरी भी उतनी ही शार्प आई। मतलब कि ये जो भी डिक्लाइन था 9,226 के नीचे वो सिर्फ और सिर्फ पैनिक की वजह से था। तो यहाँ पे जो है हम ओवरऑल पॉजिटिव है, और ये जो है इमीडिएट टारगेट है। ओवरऑल मंथली चार्ट में अगर देखें तो निफ्टी फिर से नया हाई की तरफ जा सकता है। तो वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।